तो इस वीडियो में तुम्हारे भाई ने कार 98 से क्लच किया है और लास्ट में ओम कैसे फटके लगाए हैं कि देख के मज़ा आ जाएगा। तो भाई कैसे हो? तो हमारे रहते हैं भाई यहाँ के हॉट ड्रॉप सेवरनी पे। यहाँ प्लेन पाथ सेवरनी से शुरू हुआ रहता है तो यहाँ पे बहुत तगड़ी हॉट ड्रॉप हुई रहती है। तीन चार स्क्वाड आई रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गन ढूंढता हूँ और मुझे मिलती है शॉट गन। शॉट गन लेके मैं निकल देता हूँ बंदों पर क्लच करते हैं। तो देखो क्या ही गलत सीन होता है। शॉट गन भी किसी स्नाइपर से कम नहीं है क्लोज रेंज में। तो भाई इसके एक फटके से ही भाई बंदा नॉक हो जाता है। तो भाई अब ये देखो। अरे इनके दो बंदे नॉक और एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ और बचता है लास्ट बंदा जो कि पीछे की साइड छिपा रहता है। वहाँ पे मैं कार 98 लेके निकल देता हूँ। जब तक इनकी एआर चलना स्टार्ट होती है तब तक भाई हमारी स्नाइपर इनकी गाड़ी मार लेती है। तो भाई यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम चलते हैं रोजोक। रोजोक में जैसे ही मैं लैंड करता हूँ तो भाई तुरंत ही एक बंदा कार से आता है। तो भाई देखो क्या ही गलत सीन करता है ये। अंदर आ जाओ, अंदर आओ। एक और गाड़ी आई वे। तो हमें यहाँ पता नहीं रहता ये दूसरी स्क्वाड रहती है और सामने के साइड बंदे जो रहते हैं वो दूसरी स्क्वाड के रहते हैं। तो मैं इसको यहाँ डाउन देता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई उन स्क्वाड के एक बंदे को मैं डाउन दे दिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वो पिछले वाले बंदे सारे रहते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो क्या होता है। सेक के पीछे नेड है। तो इस शॉर्ट्स के लिए भाई हैकर मत कमेंट कर देना। मैं केवल हेडफोन से मैं उसको सुनता हूँ कि वो बंदा कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो पिछले बंदे नॉक किया रहता हूँ तो मैं उन्हें ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट बोलता था कि ऑल डेड, मैंने एक स्क्वाड मार डाली। तो भाई यहाँ पे देखो क्या ही सीन होता है। मेरे पास जाओ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 1 HP पे रहता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये बंदा मुझे इजीली नॉक कर देता है, लेकिन भाई हमारे टीममेट मुझे बचा लेते हैं। तो यहाँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए ही रहते हैं तब तक यहाँ पे एक स्क्वाड आती है और वो हमारे पे फायरिंग करती है। तो हम लोग निकल जाते हैं उन्हें मारने के लिए। तो भाई अगर कोई तुम्हारा किल चुराया तो भाई बहुत गुस्सा आता है। तो वही मेरे साथ यहाँ पे होता है। मेरे टीममेट ने यहाँ पे किल चुराया जो कि इजी किल मेरा था। तो भाई देखो क्या ही सीन होता है यहाँ पे। तो भाई ये सेकंड वाला किल मेरा था लेकिन मेरा टीममेट ले जाता है। तो भाई ये बंदे की दिक्कत रहती है, ये बंदा भाई जैसे मुझे लगता है हेडफोन अच्छे क्वालिटी के नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ और बंदा उधर देखता है। तो भाई अगर तुम लोग पबजी खेलते हो, बढ़िया खेलना चाहते हो, तो भाई पहले तो हेडफोन लगाओ। तो वहाँ से हम लोग आते हैं स्कूल पे। स्कूल पे यहाँ पे एक स्क्वाड रहती है। तो भाई हम लोग सीधे सोचते हैं पहले अंधा रस मार देंगे, क्योंकि हम चार रहते हैं और ये दो तीन ही रहते हैं। तो भाई हम सीधे घुस जाते हैं। तो भाई देखो क्या ही इनका एक गलत सीन करते हैं इनके साथ। तो इन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होती और फाइनली मुझे यहाँ पे ओम मिल जाती है। तो मैं ओम लेके निकल जाता हूँ। अब यहाँ से ओम के फटके देखो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा गेम प्ले में। तो हम लोग स्कूल से निकल के बंदे ढूंढते ही रहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप गिर रहता है। ड्रॉप पे एक स्क्वाड आई रहती है, यहाँ पे गाड़ी रुकी थी है। तो हम लोग थोड़ा दूर रोकते हैं क्योंकि मेरे पास ओम रहता है, मैं वहाँ से इन्हें मार सकता। तो देखो भाई कैसे ही मारता हूँ इन्हें। तो भाई अभी तक तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी तक यहाँ पे इन्हें मार के खत्म ही किए रहते हैं तब तक यहाँ पे एक गाड़ी जाती हुई दिखती है। तो भाई देखो क्या ही स्प्रे देते हैं इस पे। मेटो भाई गाड़ी भाई गाड़ी। तो ऐसा नहीं है कि ये बंदे गन शॉट्स नहीं सुने होंगे, इन्हें ये सुने होंगे कि इधर फायर हो रहा है। तो भाई लेकिन फिर भी ये भी क्या ही कॉन्फिडेंस के साथ ये दोनों आए रहते हैं।
तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत ही दिखाओ गेम में। तो यहाँ से हम लोग भाई जो भी बंदे बचे रहते हैं, दो तीन बंदे, उन्हें खोजने के लिए हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढते हैं, तो हमें यहाँ पे स्नैक दिखता है। तो भाई ये सांपों की नगरी रहती है, तो ये बंदा यहाँ पे लेटा रहता है, और इसका ही बंदा एक और रहता है, क्योंकि ये नॉक होता है जो कि दूर कहीं लेटा रहता है। तो भाई थोड़ा क्लोज रेंज में रहते तो थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्फिडेंस रहता और तुम लोग इजिली गेम जीत सकते थे, लेकिन नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नए हो तो। भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय।